दोस्तों, ज्योति न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी, तो आप लोगों को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली के तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। तो दोस्तों, आज हम जो है कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे, तो आप लोगों को वही वीडियो बना के दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हम दोस्तों जो है कि बच्चे हमारे जो है कि गांव से हैं, तो उन्हीं को बुलाएंगे हम 26 जनवरी मनाने के लिए, और हम बच्चों के लिए क्या क्या बनाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए, काफ़ी अच्छा लगने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए हम बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है 2 किलो, तो इसमें हम जो है कि तेल डालेंगे हल्का सा, ताकि जो है कि पास्ता चिपके ना एक दूसरे में। तेल डालने के बाद हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो इधर पे हमने प्याज का छिलका उतार लिया है, इसको भी धुलेंगे। टमाटर जो लिए हैं, इसको भी। तो सारे प्याज को हम इसी तरीके से लंबा लंबा काट लेंगे, जिस तरीके से हम पकौड़ी बनाने के लिए काटते हैं प्याज को। तो दोस्तों जो है कि पास्ता हमारा उबल गया है, तो हमने चूल्हे में से कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब हम पास्ता को एक थाली में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से कढ़ाई को जो है कि चूल्हे पर रख दिया है धुल के। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल जो है कि गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। हरा मिर्च कटा हुआ, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो प्याज जो है कि हल्का सा हमने पका लिया है, इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। अब इसमें डालेंगे नमक। तो अब हम नमक को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब हमारा टमाटर जो है कि गलेगा। हमने इसमें जो है कि नमक पहले ही डाल दिया है रोस्ट। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता मसाला। इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरीके से हम मसाले को मिला देंगे। तो टमाटर जो है कि अच्छे से गल गया है, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो इसमें अब हम उबला हुआ जो पास्ता है डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जो है कि रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। अब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो पास्ता जो कि हमारा बनके तैयार हो गया है, इसे हम चूल्हे में से नीचे उतार दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अब हम कढ़ाई में से इसे एक बर्तन में रख देंगे, इसमें अब हम बनाएंगे बुनिया। तो दोस्तों जो कि हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया है, और हमने जो है कि कढ़ाई को धूल के फिर से चूल्हे पर रख दिया है, अब हम बनाएंगे बुनिया। तो अब हम इसमें डालते हैं 1 लोटा पानी। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी डाले हैं। अब इसमें डालेंगे 2 किलो चीनी। जो है कि 26 जनवरी है, इसलिए आर्मी जो है कि तैयार हुई है। ये देखिए स्वेटर पहनी हुई है तिरंगा कलर, और ये जो है कि इनकी नानी ने हाथ से बनाया हुआ है इनके लिए, कि ये जो है कि 26 जनवरी के दिन पहनेंगी नानी। ये देखिए, तो जो है कि चीनी हमारा गल गया है, इसमें हम डाल देते हैं फूड कलर। तो इसमें लेमन हमने येलो डाला हुआ है।
जो है कि 26 जनवरी है, इसलिए आदमी डांस करेंगे। बेटा फिर से डांस कर दो एक बार। दर पे हम इलायची पाउडर तैयार कर रहे हैं। ये देखिए जो है कि हमारा चाशनी तैयार हो गया है, तो इसमें हम बूंदी डाल लेते हैं। इलायची पाउडर डालेंगे, खीरा का बीज। अब अच्छी तरीके से इलायची को और खीरा के बीज को हम मिक्स करेंगे। तो दोस्तों हमारा बुनिया भी बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बुनिया बना हुआ है। तो अब हम जो है कि कढ़ाई को उतारेंगे चूल्हे पे से नीचे। नो बस करो, हो गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने पास्ता और जो है कि बुनिया लगा दिया है, तो बच्चे क्या लेते हैं। तो दोस्तों जो है कि कोविड के वजह से हमने ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाए हुए हैं, ये हमारे गांव के ही बच्चे हैं। तो ये देखिए सारे बच्चे आ गए हैं और लाइन में लग गए हैं। तो अब हम पास्ता और बुनिया जो है कि बच्चों को बांटेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जो बच्चे आए हुए थे वो लोग लेके चले गए हैं और बच्चे आ रहे हैं, बहुत ही खुशी से आ रहे हैं। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, बच्चे लोग जो है कि आज के दिन मीठा खा जाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। दोस्तों जो है कि सारे बच्चों को हमने बांट दिया, बच्चे लोग खा भी लिए, तो ढेर सारे बच्चे आए हुए थे, मुझे काफी अच्छा लगा। आदमी भी काफी खुश थी। कौन दादी? हाँ दादी, नमस्ते बोलो सबसे। हैप्पी रिपब्लिक डे आदमी की तरफ से भी आप लोगों को ना? दोस्तों जो है कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, सारे देशवासियों को जो है कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अब मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, बाय करो।